भूपेन हाजरिका कला क्षेत्र तो एंट्री कर रहा है अंदर में। रियलमी का ना, नाइन प्रो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैं सुबह सुबह फ्रेश होकर घर से निकला हूँ, विश्वनाथ चैली टाउन में हूँ फिलहाल। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरा जो मोबाइल है वो फिलहाल ख़राब हो गया, स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा है, तो एक नया मोबाइल लेने जाऊँगा, एक मोबाइल स्टोर में जाऊँगा, वहाँ से आप लोगों को लेकर जाऊँगा विश्वनाथ चैली पार्क में, वहाँ से पार्क दिखा के फिर लेकर जाऊँगा थोड़ा एक जगह में, जहाँ आज का दिन जो है बहुत स्पेशल खास दिन है, क्योंकि आज है मुहर्रम, और मुहर्रम जहाँ खेल रहा है, जहाँ मुहर्रम मना रहा है स्पेशली, तो वहाँ पे आज मैं लेके जाऊँगा, वहाँ का व्यू मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस फिलहाल वीडियो में बने रहिए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो है गाइस, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पुलिस पॉइंट में, और ये जो देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये हो गया, ये साइड हो गया उषा बेकारी। अभी सर गरी स्टैंड यहाँ पे आप लोग मिल जाएगा, और ये देखो गोलो आ गया, गोलो ए मजा। टीपू सिकदर के दुकान में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे अच्छे से मोबाइल कौन सा मिलता है। अभी ये देखिए, तो ये गाइस ये देखते हैं बाबू सिनेमा हॉल, ये साइड में मिलेगा आपको, और ये आ गया सामने से पुलिस पॉइंट, और यहाँ पे देखिए कितना सारा टी शर्ट झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। और गाइस फिलहाल यहाँ पे मोबाइल स्टोर में आ गया हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक सूर्या मोबाइल स्टोर है, मोबाइल दुकान है, और ये भी हमारा भाई है बपिदा, ये देखिए सूर्या मोबाइल स्टोर। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्टॉक है, सब माल यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो इनका ये और एक भाई है, उसका दुकान में लेके जाते हैं फिलहाल, तो चलिए बने रहिए साथ में, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। ये आ गया, ये हो गया जस्मिन मोबाइल, जस्मिन मोबाइल स्टोर, दुकान का ओनर अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ जाके फिलहाल बात करूँगा। ये देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा हुआ है जस्मिन मोबाइल का, ये दुकान का जो मतलब इंश्योरेंस है ये यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी सारा, और मोबाइल स्टॉक दिखाते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा मोबाइल स्टॉक मिल जाएगा, जैसे ना कि देखिए ओप्पो वीवो पोको आईफोन, उसके बाद जाके फिलहाल क्या है, ये वो ओपन क्या है वन प्लस, उसके बाद एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक में मिल जाएगा। अगर कुछ अगर ना मिले तो यहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करने से आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोगों को ऑर्डर में वो माल मिल जाएगा। ये देखिए, तो गाइस फिलहाल ये हो गया हमारा क्वेस्ट सिकदर भाई, जो ये दुकान का ओनर है, तो उनके पास आया हूँ फिलहाल, थोड़ा जानकारी लूँगा उनसे कि यहाँ पे कितना टाइम मतलब कौन सा मोबाइल यहाँ पे मिलता है और किस किस टाइम मिलता है। अगर कोई मोबाइल का अगर यहाँ पे नहीं है, स्टॉक में नहीं है, अगर उनसे अगर मंगा जाए तो कितना टाइम में ये पहुँचेगा आके ऑर्डर देने से, तो ये उनसे बात करूँगा फिलहाल। तो भैया यहाँ पे फिलहाल महंगा फोन कौन सा रहता है वन प्लस? फिलहाल अभी वीवो का, वन प्लस का, रियलमी 9 प्रो, नैनो 7 प्रो, अभी नैनो स्टॉक था ख़त्म हो गया कल, उसके बाद एम आई का आपका टेक्नो, उसके बाद नार्जो सीरीज, आई टेल, सब मिलेगा, सब मिल जाएगा, ओप्पो भी मिलेगा। अगर कोई मोबाइल अगर मुझे मोबाइल अगर पसंद आए, अगर उसको मैं यहाँ पे स्टॉक पे नहीं मिला, तो उसको अगर ऑर्डर करूँगा कितना टाइम में? और दो दिन में मिल जाएगा आपको, अगर ऊपर में स्टॉक होगा आपको। अच्छा, दो दिन में मिल जाएगा ना। तो गाइस आप लोग सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा मोबाइल यहाँ पे स्टॉक है, और आप लोग यहाँ पे आके कोई भी मोबाइल आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन से तीन दिन में आप लोग को ये मोबाइल, काफ़ी सारा मोबाइल जो भी आप लोग ऑर्डर करेंगे वो तुरंत मिल जाएगा। और यहाँ पे वन प्लस भी स्टॉक में है, और आईफोन भी आप लोगों को खत्म हो गया, तो फिलहाल ख़त्म हो गया, आप लोग ऑर्डर करने से तुरंत मिल जाएगा आप लोग को। तो गाइस यहाँ पे मैं भी आया हूँ एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो एक अनबॉक्सिंग करते हैं छोटा सा एक मोबाइल, इतना महंगा मोबाइल लेने का तो औकात नहीं है, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा मोबाइल लेंगे और आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो एक छोटा सा मोबाइल यहाँ पे फिलहाल देख लेते हैं यहाँ अनबॉक्सिंग करके कौन सा पसंद आए, तो आप लोग को भी दिखाते हैं। अभी रियलमी का यही मॉडल ज़्यादा चल रहा है सबसे। रियलमी का ना, रियलमी 9 प्रो, 9 प्रो। अच्छा, तो ये भाई ने मुझे ये
रियलमी 9 प्रो अनबॉक्सिंग करके मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मुझे भी एक फ़ोन लेना है, तो यहाँ पे आया। लुक्स बहुत सुंदर है मोबाइल का। वाओ, ये देखिए, हाँ पीछे का ये जो मॉडल है। अच्छा, रियलमी का बोलने जाने से टॉप मॉडल ही है अभी फिलहाल। अच्छा, अच्छा मॉडल है, बहुत ले रहा है, बहुत लोग ले रहा है, सबको बहुत लेजेंडर फ़ोन है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये, तो ठीक है बातचीत कर लेते हैं उनसे, उसके बाद फिर दिखाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ का मोबाइल आप लोगों को दिखाया, एक मोबाइल मुझे रियलमी 9 प्रो दिखाया, तो थोड़ा मतलब खासी था, बहुत अच्छा था मोबाइल, आप लोग आइए यहाँ से लीजिए। लेकिन मुझे थोड़ा महंगा फ़ोन चाहिए था, तो इसलिए भाई को थोड़ा वन प्लस आप लोगों को दिखाऊंगा फिर और एक ब्लॉग में। तो वन प्लस का ऑर्डर किया भाई, मुझे एक हफ्ते में ला के देगा बोला है, तो आप लोग भी यहाँ पे आके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे पुलिस पॉइंट में है, पुलिस पॉइंट से 10 मीटर दूर में है, तो वो पाबोई रोड पड़ता है, अंबरी विश्वनाथ चैरिटी। तो है गाइस फिलहाल आके पहुँच गया यहाँ पे हम लोग विश्वनाथ पार्क में, भूपेन हजारिका कला क्षेत्र, तो एंट्री कर रहा है अंदर में और जाऊँगा। तो ये गेट है, ये गेट में देख सकते हैं कितना खूबसूरत से सजाया है ये यहाँ पे, और ये देख लिया। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं, ये है अंदर एंट्री करने का गेट, और ये भाई लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा है क्या, 15 रुपीज़ ना। और तो ये जो पार्क आप लोगों को दिखा रहा हूँ फिलहाल, ये है, यहाँ पे 15 रुपया टिकट है, आप लोग आइए। यहाँ पे काफ़ी सारा मस्त मस्त जगह यहाँ पे प्लेस बना के रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत प्लेस है, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे आइए। और जो इवनिंग का टाइम है, जो मज़ा है यहाँ पे घूमने का, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे आने से आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये छोटा छोटा बच्चे का ये जो खेलने का चीज़ है वो सब बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और काफ़ी सारा आदमी लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये है विश्वनाथ पार्क, विश्वनाथ चैरिटी पार्क, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और काफ़ी सारा आदमी यहाँ पे, स्टूडेंट लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आदमी लोग आते हैं घूमने के लिए, बैठने के लिए। और आप लोग व्यू तो देख ही पा रहा होगा, यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, वो ब्रिज बना के रखा हुआ है, वो देखिए वहाँ पे एक खूबसूरत ब्रिज बना के रखा हुआ है। और ये साइड में है, ये देखिए ये भी बनाया है, ये पार्क का मिडिल में है ये, ये देखिए। और ये देखिए वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, विश्वनाथ चैरिटी म्यूनिसिपल बोर्ड। और ये जो बच्चा लोग खेल रहा है, ये खेलने का चीज़ है, ये सब बना के रखा हुआ है, और ये सब बैठने का सुविधा करके दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये सुविधा बना के दिया हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ से जाके फिर तो ये देख सकते हैं ये क्या बनाया, ओह माय गॉड, ये रात का टाइम में काफ़ी मज़ा आता है ये देखने में, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और भी है, तो रेस्टोरेंट था फिलहाल बंद है, वो भी खोलेगा। अरे गाइस विश्वनाथ चैरिटी पार्क में लेके आया हूँ, यहाँ का व्यू मैं अच्छा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और देखिए इंजॉय कीजिए यहाँ पे आके, काफ़ी खूबसूरत बनाया है ये पार्क, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो गाइस आप लोग देखा ही होगा यहाँ का व्यू, तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और जाएंगे स्पेशल जो आज का खास दिन है, और जहाँ जाना है वहाँ पे फिर आज मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, क्योंकि आज बहुत खास दिन है, मुहर्रम है, और मुहर्रम खेल रहा है वहाँ पे, खेल हो रहा है ज़ोरदार, तो वहाँ पे लेके चलते हैं फिलहाल। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइस फिलहाल निकलते हैं यहाँ से।
Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm in. Hey guys, तो फिलहाल मैं आप लोगों को हमारे विश्वनाथ चैरिटी टाउन दिखाया, यहाँ का पार्क दिखाया, मोहर्रम दिखाया, कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।